हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हमाद अली और हमारे कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स के आज का टॉपिक है डैंगलिंग इफ। डैंगलिंग इफ एक सिचुएशन है जो क्रिएट हो जाती है, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है प्रोग्रामर्स के लिए। तो अभी हम उसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सिचुएशन कैसे अराइज होती है कि हमारे पास नॉर्मली नेस्टेड इफ जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ऑलरेडी हम ये शायद डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं कर चुके तो अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इफ कंडीशन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम उसके लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करते। हमें ज़रूरत नहीं है, डिफाइन कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। और ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एज ए सिंगल स्टेटमेंट एक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक इफ का स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है, उसमें लिखा है इफ और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी है, और हमने कोई भी ब्रेस लगाए बगैर, जिसमें हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट का, उसको लगाए बगैर नीचे हमने एक और इफ कंडीशन डिफाइन कर दी है और उसके नीचे हमने एक और स्टेटमेंट भी लिख दी है। तो होगा इसमें ऐसे कि पहले कंडीशन अगर ट्रू होगी तो सेकंड इफ में चला जाएगा, अगर सेकंड इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये तो है एक सिंपल सिनेरियो जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि अगर हम कोई एल्स स्टेटमेंट भी इसी तरह ही डिफाइन करें, जब हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते या जो ब्लॉक्स है स्टेटमेंट के उसको डिफाइन नहीं करते, तो अगर हम इस तरीके से इसको डिफाइन करें तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो डेवलपर है उसको आइडिया नहीं होगा कि ये जो एल्स मैंने डिफाइन किया है ये इनर इफ के लिए है या आउटर इफ के लिए है। तो इसके लिए मेरी सजेशन तो ये है कि जब कभी भी आप इफ कंडीशन को डिफाइन करने लगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने लगे, तो उसके साथ जो उसकी बॉडी है या उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप हमेशा ब्लॉक में डिफाइन करें। आइए हम इसको देखते हैं और देखते हैं कि ये जो एल्स है ये एक्चुअली एक्सटर्नल इफ कंडीशन का पार्ट है या इंटरनल का। फाइव इंट बी इज इक्वल टू 7। लेट्स से हम कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं, उनको कोई भी दो वैल्यूज असाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ए नॉट इक्वल टू बी। ये वही स्टेटमेंट है जो हमने नेस्टेड इफ के अंदर की थी, और यहाँ पे हमने ये ब्लॉक डिफाइन नहीं करना, हम इस ब्लॉक को डिफाइन किए बगैर एक नई इफ को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे क्या करें, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये प्रिटी सिंपल कोड है और ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक रन करेगा। यहाँ पे चूंकि ए जो है उसकी वैल्यू बी के डिफरेंट है लेकिन ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है और ए की वैल्यू ग्रेटर भी नहीं है बी से, तो इस वजह से यहाँ पे अपने कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे 7 लिखते हैं और उसको 5 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो सो फार सो गुड, कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये है कि जब मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ तो आप अगर देखें तो ये एल्स किसी के साथ भी जा सकता है, ये एल्स ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ भी देखने में लग रहा है कि लीगल है और नीचे वाली स्टेटमेंट के साथ।
अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ कि अगर मैं इसको ज्यूम करूँ कि ये एक्सटर्नल के साथ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ आर इक्वल। इस सिचुएशन में मैं इसको दोनों को सेम वैल्यू दे देता हूँ, इसको भी मैं 5 असाइन कर देता हूँ, और जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो चूंकि दोनों की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए बोथ आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको बी की वैल्यू को बड़ा कर दूँ और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आपके सामने लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल। अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उसने सबसे पहले देखा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, पहली इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इनर इफ कंडीशन में आया, इनर इफ कंडीशन में आया तो उसने देखा कि 5 जो है वो छोटा है बी से, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसने इसका एल्स पार्ट चला दिया जो कि था बोथ आर इक्वल। इसका मतलब है ये जो एल्स है ये एक्सटर्नल इफ के साथ नहीं है बल्कि इंटरनल इफ के साथ है, ठीक है। तो यही हमने देखना था कि ये एक्चुअली किसके साथ है, जो कि कन्फ्यूज कर रहा था। इट्स मीन कि मैं यहाँ पर लिखूँगा B is greater than A. और मैं एक और else लगाऊंगा जो कि मेरी statement को फिर ज़्यादा clear करेगा कि both are अब अगर आप देखें तो मेरा कोड बिल्कुल मुझे सही आउटपुट दे रहा है, लॉजिकली भी और वैसे भी। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देता हूँ तो मुझे बिल्कुल सही मैसेज रिसीव हुआ है, बोथ आर इक्वल। और इसी तरह मैं अगर इनमें से किसी एक वैल्यू को, लेट्स से ए की वैल्यू को ग्रेटर कर देता हूँ तो मुझे सही आउटपुट दे रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। सो ये कन्फ्यूजन जो है वो उस वक्त राइज होती है जब प्रोग्रामर जो है वो प्रॉपर इंडेंटिंग भी नहीं करते। लेट्स से अगर ये कोड इस तरीके से लिखा है और हमने इसकी इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं की तो आप देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इफ़ के साथ एल्स जो है, अगर मैं लास्ट एल्स को ख़त्म कर दूँ तो ये वाला जो एल्स है ये पहले इफ़ के साथ है या दूसरे इफ़ के साथ है। तो उसके लिए, इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करें। जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आते। ठीक है जी, और ये हमारे पास इफ का स्ट्रक्चर है और ये कहाँ जाके क्लोज हो रहा है, ये हमारे पास इसके साथ क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास दूसरे इफ का कंडीशन का स्ट्रक्चर क्लोज हो रहा है। तो अब मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि ये जो इफ है इसकी जो पैरेंथेसिस ओपन हुई है येलो कलर में आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे क्लोज हो रही है और जो दूसरा इफ का स्ट्रक्चर है उसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एल से पहले कंप्लीट हो रही है। तो ये इस तरह से मुझे कोड को रीड करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। वैसे अगर हम इसकी इंडेंटेशन प्रॉपर करें तो हमें उससे भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। थैंक यू डेंगली के लिए अभी तक इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अभी तक के लिए